हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताने वाले हैं जो कैसा भी बुखार हो या पित्त की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये सनसमनी वटी एक आयुर्वेदिक दवा है जो कैसा भी बुखार हो, नॉर्मल हो या आपको टाइफाइड जैसा बुखार हो या पित्त की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, आजकल लोगों का खान पान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वे इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी हो गए हैं कि अपनी केयर नहीं कर पाते, अपने खान पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उन्हें पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है और धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे और अधिक परेशान होने लगते हैं। उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, हाथों पैरों में जलन होने लगती है, बहुत अधिक उन्हें पसीना आने लगता है, हर टाइम फीवर फीवर सा भी फील होने लगता है, नींद नहीं आती है, समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए सनसमनी वटी बहुत ही कारगर मेडिसिन है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो प्लीज़ आप ऑयली फूड बिल्कुल भी ना खाएं, तला भुना या मसालेदार चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए जिससे आपकी पित्त की प्रॉब्लम ठीक हो जाए या पित्त की प्रॉब्लम बहुत अधिक ना बढ़े, क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें या मसालेदार चीज़ें खाने से इस पे और ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, पित्त की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए ऐसा ना करें, थोड़ा सा कंट्रोल रखें। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मुख्य घटकों से मिलाकर बनाया जाता है, जैसे ग्लोए है, वृक्ष की छाल है और कुछ भस्में हैं, जिन्हें ऐड करके इस मेडिसिन को रेडी किया जाता है। फ्रेंड्स, ये पित्त और बुखार के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसे कैसे खाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। 1 से 2 गोलियाँ दिन में 2 से 3 बार शहद और गर्म पानी के साथ इसे लेनी है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसे नॉर्मल गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है फ्रेंड्स। बट मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की परामर्श ज़रूर ले लें। फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।